तो गाइज स्वागत करते हैं अपने और एक व्लॉग वीडियो में। फाइनली अभी हम अपने काम पर पहुंच चुके हैं और ये वो साइड है जिसके अंदर हमें आज काम करना है। पहले होगी इसकी ईंट पड़ाई, फिर बिछाएंगे रोडे। ये लगभग हमारे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम अपना सामान लेकर चल पड़े काम की तरफ। ये आप जो ईंटें देख रहे हैं ना, हमें आज इन्हें उखाड़ना है, फिर इसके अंदर हम बिछवाएंगे रोडे। पहले अपनी ईंटें उखड़वा देते हैं इन्हें, फिर क्योंकि अभी इसके अंदर फिर नए ब्लॉक लगेंगे, मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी हमें ये टोटल जो अभी मैं इस वीडियो में आप जो काम देखोगे ना, उसे हमें करने में टोटल 3 दिन लगे थे, क्योंकि अभी रोडे तो हमने करवा दिए, ईंट थी वो भी हमने पड़वा दी। इतने में जैसी भी वे आ चुकी थी, जो बीच में जो नहीं पड़ा था गाड़ी रोडों की, वो भी अब हो गई। थोड़े बहुत कम पड़े थे, हमने ट्रैक्टर मंगवा लिया रोड़ी का, जिससे कि एक साइज और एक लेवल हो जाएगी। कल ना अगर इस गांव में कुछ बारिश आए, बाढ़ आए, तो जो रोड है वो नीचे से जाए ना, और रोड वैसी की वैसी रहे। अभी चौक के अंदर सभी रोडे बच चुके हैं, अभी जैसी भी चलवा देते, क्योंकि अभी ट्राली खाली हुई थी, तो जैसी भी चलवाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानों से तो होगा नहीं। अभी जेसीबी का काम थोड़ा कंप्लीट हो गया, फिर हमने अपना ट्रैक्टर मंगवा लिया जो हमारी धाड़ी और हमारी साइड से ही कटेगा, क्योंकि ये हमारी सब तरफ से वो ठेकेदार की तरफ से थी जेसीबी। अभी जेसीबी के ऊपर रोडे चल रहे हैं, अभी हमें थोड़े बहुत हाथों से करने होंगे, क्योंकि साइडों में ट्रैक्टर जा नहीं सकता, इसलिए हमें साइडों वाले हाथों से करने होंगे। अभी थोड़े बहुत हैं साइडों वाले, ये करने के बाद फिर हम मंगवाते हैं अपने लिए मिट्टी, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी भी ज़रूरी है। अभी फाइनली मिट्टी आ चुकी है, अभी चलो इसको हम खाली करवा देते हैं, फिर इसके ऊपर चलवा देंगे घोड़ी, जिससे कि इसे फैलाने में आसानी होए। और अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके दाना, क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं और आप में से ही एक है। हमारी मदद आप ही नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन। फाइनली मिट्टी का काम भी अभी कंप्लीट हो चुका है, सभी रोड पर मिट्टी अभी हमने अच्छी दबा दी, थोड़ी बहुत मिट्टी और डलवा दें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और करने वाले कम हैं। तब तक रोलर भी आ चुका था, अभी इसके अंदर रोलर इसलिए भरवा रहे क्योंकि जो हमने रोडे डलवाए थे, मिट्टी डलवाई थी, क्योंकि वो फिर जम जाए, उखड़े नहीं, क्योंकि आपको पता है गाड़ी भी चलेगी, ट्रक भी चलेंगे, तो रोड अगर मजबूत होगी तो लंबे टमे तक टिकी रहेगी। मिलते हैं अब इसे चलवाने के बाद। हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फाइनली रोलर अभी चल पड़ा है अपना काम करने कम्प्लीट। अभी आधी गली हो चुकी है, आधी अभी बाकी है। अभी आप देख रहे हो रोलर हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि अभी काम करना पड़ेगा यार, कि मजबूरी उतनी इतनी धूप और बारिश का मौसम, हमें ये डर हो रहता है अभी जो किया वो अगर रह ना रहा, बारिश से बह गया, तो ये भी टेंशन है। फाइनली रोलर भी फट चुका है, चौक के अंदर आ खड़ा हो चुका है। अब रोलर का जाने का वक्त आ गया, अभी रोलर जा रहा है घर पर। अभी चलते हैं हम भी अपना घर पर, क्योंकि आज का काम हमने कर दिया कंप्लीट। ये काम करने में हमें लगभग 3 दिन लगे थे, जो कि मैं आपको एक ही दिन की वीडियो में दिखा रहा हूँ। अभी फाइनली अभी अपने हम घर पर आ चुके हैं। ये काम हमें लगभग 3 दिनों के अंदर किया था। पहले दिन हमने ईंटें पाड़ी, फिर हमने अपनी जेसीबी चलवाई, फिर हमने ट्रैक्टर चलवाया, और उसी दिन फिर हमने रोलर भी चलवा दिया, क्योंकि काम करना हमें ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो जाएंगे क्या। और आप अगर हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो यार, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।